तो अभी गाइस एक बहुत बड़ा पॉपर्ट हो गया, मैं अपना लैपटॉप लाना भूल गया। जल्दी जल्दी में मैंने चार्जर वार्जर सब रखा है, देखो। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज जा रहे हैं एक बहुत मस्त जगह पे, जो कि मेरी फेवरेट जगह है, जो कि है जंगल। तो हाँ, एक रिलैक्सिंग ट्रिप पे जा रहे हैं हम, जहाँ पे हम जाएंगे अपनी कैरावैन में, अपने घर में, अपने घर को लेके जाएंगे हम जंगल में। जंगल में कहीं कहीं लेक के किनारे रोक के वहीं पर रहेंगे आज रात को। तो यही प्लान है, बॉबी भैया के साथ में जा रहा हूँ मैं कैरावैन में। तो हाँ, देखते हैं कैसा रहता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है। सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हैं, तो हाँ थोड़ी रिलैक्सिंग भी, बहुत दिन से टायर्ड, बहुत थक गया हूँ मैं। तो वहीं पर आराम से जंगल में आराम से बैठेंगे, वहीं पर बनाएंगे, वहीं पर रहेंगे और कल फिर वापस आ जाएंगे। तो ये प्लान है। पता नहीं गाइस मैं कैंपिंग और जंगल को लेकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों रहता हूँ। मुझे ना नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए। हाँ शायद इसीलिए, क्योंकि वहाँ पर जाके ना एक अलग ही फील आता है, क्योंकि वहाँ पर और कोई नहीं होता, सिर्फ हम होते, एकदम मस्त, मतलब पूरा नेचुरल आवाज़ें आ रही होती हैं, शायद इसलिए। चलो देखते हैं, आज एक्सपीरियंस लेंगे, आपके हाथ में शेयर करेंगे, आई होप आपको भी पसंद आएगा। तो यहाँ पे तो सब ब्लॉग देख रहे हैं, खाना खाते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए, आज बनी है भिंडी रोटी। तो चलो फिलहाल मैं भी ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, फिर मैं भी ब्रेकफास्ट करूँगा। तो भैया नहा धो के रेडी हो गया हूँ, फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं, भिंडी रोटी हलवा एंड दही। और मम्मी यहाँ सिलाई मशीन में कुछ काम कर रही है, पैंट वगैरह सिल रही है। और आज पापा जी रूपा के बनियान में नहीं है, मम्मी ने डांट दिया पापा जी को, अभी बनियान में बैठे थे। पापा जी डरते हैं मम्मी से, डरने वाली क्या बात है फिर? डरने वाली तो है, अच्छे वाले बैठे थे बनियान में, बैठे थे अच्छे वाले, कपड़े डालने चाहिए यार बेटा, फिर ऐसे ही बैठ जाते हैं। क्या हो, गर्मी गर्मी हो रही है इतनी। पापा जी आपका जो मन करता है वैसे रहो, बनियान में रहना है बनियान में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ डाल लो फिर। तो अभी यहाँ पे लंच रेडी हो रहा है, फेवरेट कढ़ी बनी अपनी, ये देखो उसके अंदर पत्ते वत्ते सब डाल रखे हैं, और इसमें चावल, और यहाँ पे खीरा कट रहा है। सबसे पहले मुझे ही मिला, हरी सब्जी होनी चाहिए इसके साथ में, तब मजा आता है। तो गाइस 2:30 बजने वाले हैं, खाना हो चुका है, लेकिन अभी तक पीयूष नहीं आया। पीयूष 2 बजे आता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों लेट हो गया। आज हम कैमरे में देख रहे हैं, आएगा आएगा, लेकिन आ ही नहीं रहा। और जो रोटी देखी लेकिन खा नहीं रहा, क्यों नहीं खा रहे हो रही, गुस्सा किस बात का कर रहा है? पता नहीं अभी इसको क्या हो गया, खाना ही नहीं खा रहा है। मैसेज आया, डियर पेरेंट्स, बस विल बी डिलेड 5-10 मिनट। तो स्कूल वालों का व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया कि 5-10 मिनट लेट होगी, लेकिन 5-10 की तो आधा घंटा ही लेट होगी पूरी। ये सही है, स्कूल वाले अपडेट दे देते हैं अगर लेट होंगे, जल्दी आएंगे तो। लेट क्यों हो गया आज? बस का टायर पंचर हो गया था। अच्छा, बस का टायर पंचर क्या हो गया? हम देख रहे हैं यार, आया नहीं आया नहीं आया नहीं भाई, कितने 40 मिनट लगे, 40 मिनट लेट हो गया। अब इसको फिर आधे घंटे बाद जाना है ट्यूशन, टाइम ही नहीं मिला उसको, खाना खाएगा ट्यूशन जाएगा सीधा। तो अभी गाइस पीयूष गया ट्यूशन और बाकी सब सो रहे हैं, और फिर अलबो भी आए घर पे, तो अभी चलते हैं कहीं घूमने के लिए मस्त कैरावैन में। कैरावैन लेके आए हैं, तो कैरावैन अपनी रेडी है, तो चलो अब चलते हैं। आज कैरावैन सोसाइटी में ले आए, देखो चलो। तो अभी गाइस वो भी गए हैं पर्ची कटवाने के लिए फॉरेस्ट वालों से, बिकॉज हम जंगल में आए हैं, तो जंगल में वैसे जाना अलाउड नहीं है, तो उसके लिए पर्ची कटवानी चाहिए। तो यहाँ पीछे फॉरेस्ट वालों का अड्डा, तो वहाँ गए पर्ची कटवाने के लिए, उसके बाद फिर जाएंगे हम जंगल में अंदर, मतलब परमिशन लेके जा रहे हैं जंगल में, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर हैं, और ये मतलब बेसिकली यहाँ पे मतलब हर कोई नहीं जा सकता रात को, तो हम रात को अब तक रुक भी जाए वहाँ पे, तो पर्ची कटवा लेते, परमिशन होगी ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली अगर जंगल के अंदर कुछ हो गया तो फॉरेस्ट वालों को पता होगा कि हम जंगल के अंदर हैं। ये देखो ना, वन विभाग की पर्ची है। अच्छा, तो कभी भी आप जंगल एंटर करते हो हमेशा एक पर्ची जरूर कटवाना, कभी भी जंगल एंटर करते हो, कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई जानवर आ जाए, कुछ आ जाए, अब हम जा सकते हैं जंगल के अंदर यहाँ से। चलो ये आप लीगली जा रहे हैं, बता के जा रहे हैं। तो फिलहाल ड्रोन उड़ाते हैं, और मैं मतलब गाड़ी में बैठा रहूंगा, गाड़ी में बैठे हुए ड्रोन उड़ाएंगे, मतलब गाड़ी के आगे ड्रोन चलेगा, कुछ ऐसा व्यू लेंगे। चलो तो भैया फिलहाल यहाँ पे रुके हैं, तो यहीं से उड़ाते हैं ड्रोन, देखो यहाँ पे पूरा जंगल है, डेंस जंगल है। तो फाइनली ड्रोन उड़ा लिया है, और जो शॉट्स आए ना भाई, बहुत तगड़े शॉट आए हैं, थोड़ा रिस्की था लेकिन फिर मैंने उड़ा दिया, जैसे जैसे कर उड़ा दिया। तो अभी जंगल से निकल के हम आ गए किसी विलेज में, देखो कितना प्यारा सा विलेज है यहाँ पे, यहाँ पे खेत भी हैं, रोड क्रॉसिंग, डक्स रोड क्रॉसिंग। तो अभी गाइस ये देखने की यहाँ से निकलेगी या नहीं निकलेगी, यहाँ पे ना ये लगे हुए हैं, ले आओ ले आओ ले आओ, निकल गई भाई, कितना गैप है भाई यहाँ पे, गैप देखो कितना सा गैप है, थोड़ा सा गैप है बस। तो अभी सनसेट भी होने वाला, देखो सामने सन नीचे जा रहा है ना, निकल गई।
तो अभी गाइस सनसेट हो चुका है, अंधेरा होने वाला है, शाम के 7 बज चुके हैं। तो कहीं पे रुकते हैं, यहीं पे देखो बगल में पानी है और यहीं पे रुकते हैं कहीं पे। आज रात को यहीं रुकेंगे मस्त, यहीं पे खाना पीना बनाएंगे। तो चलो राइट में पानी, लेफ्ट में पानी। तो फाइनली गाइस हमको जगह मिल गई, हम रात को रुकेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे पानी भी है, हमारी कैरावैन खड़ी है यहाँ पे, और देखो कितना मस्त व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो रात भर यहीं रुकेंगे, यहीं पे खाना बनाएंगे। तो फिलहाल हम लगा रहे हैं ये वाली लाइट। तो फाइनली ये लाइट्स भी लगा दी, देखो कितनी मस्त लग रही है। दूर से दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारी चेयर्स और टेबल। अब बारी है खाना बनाने की। तो हमारे पास यहाँ पे है ग्रिलर, तो हम ग्रिल करेंगे पोटैटोज को। तो हम आग जलाएंगे इससे, ग्रिल करने के लिए कितना सारा सामान है ग्रिल करने के लिए। ओ भाई ये सही है। तो देखो यहाँ पे आग जल रही है सही। तो गाइस इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सिर्फ हम दोनों हैं, हमारे आसपास कोई नहीं है, बस लेक है, हमारी कैरावैन है, हम है और हमारा खाना है जो कि हम बना रहे हैं। चलो कोयले लाल हो गए हैं, अब इसके ऊपर डालते हैं ग्रिल। तो ये डाल दी ग्रिल प्लेट। तो चलो अब आलू काटते हैं, आलू धनिया नींबू सब कुछ हमारे पास। बहुत बड़ा सा आलू है, इस पोटैटो को ऐसे ही ग्रिल कर देंगे हम, देखना। तो ये देखो इतने सारे पीस हो गए हैं पोटैटो के। लो भाई पोटैटो रख दिए हैं, भाई कितने टेस्टी लग रहे हैं, मन करे ऐसे खा जाएं, लेकिन अभी ग्रिल होने देते हैं इनको। मस्त मसाले लगा दिए हैं गाइस, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है इसको देख के, और बहुत भूख भी लग रही है, आपके मुंह में आ रहा होगा। और देखो रात के 9 बज चुके हैं, अभी तक नहीं बना है, तो हम 10 बजे तक खाएंगे गाइस। आज हम खाएंगे आलू को ग्रिल करके। सब्जी तो रोज बना के खाते हैं घर पे, लेकिन आज ग्रिल करके खाएंगे। तो चलो अब ट्राई करते हैं, टेस्टी है, ऐसे आलू आज तक नहीं खाए भाई। तो भी गाइस हमको 2 बार घुराने के बाद आई पीछे से, शायद बाघ है या फिर कुछ, कोई ना कोई जानवर तो है। यहाँ पे लेक है ना, तो लेक में जानवर पानी पीने आते हैं रात को। वैसे तो खुला एरिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आवाज आई, 2 बार आवाज आई। नहीं कोई दिक्कत होगी तो अंदर घुस जाएंगे ना, कैरावैन के अंदर छुप जाएंगे कोई आएगा तो एकदम से। तो चलो अब पियेंगे हम स्टिंग, वो भी इन गिलासों में भाई। गाइस कुछ गलत मत समझना, स्टिंग है देखो। चीयर्स चीयर्स गाइस। हम ड्रिंक वगैरह अल्कोहल वगैरह तो लेते नहीं है, तो हम सिंपल स्टिंग पे रहे हैं। तो गाइस रात के बजने वाले हैं 11, तो फिलहाल खाना पीना हो चुका है, तो फिलहाल बर्तन धोएंगे, फिर थोड़ी बातें करेंगे। तो सारे बर्तन हमने धो दिए, सारे तो क्या, 2 प्लेट थी और 2 गिलास थे, और तो क्या था। तो अभी आ चुके हैं कैरावैन के अंदर, तो चलो यहाँ बेड लगाते हैं, तो टेबल हटाते हैं। वैसे सोने को तो बाहर सो सकते थे, टेंट लगा के बाहर सो सकते थे, लेकिन बाहर ना सेफ नहीं है, बाहर जानवर वानवर आ सकते हैं। हमारे पास कैरावैन है, इसके अंदर बेड है, तो इसी में सोएंगे ना आराम से। चलो बेड खोलते हैं, ये खुल गया बेड। तो चलो अब मैं आता हूँ बेड पे, बैठते हैं आराम से, मस्त एडिटिंग करेंगे अब। तो भी गाइस एक बहुत बड़ा पॉपर्ट हो गया, मैं अपना लैपटॉप लाना भूल गया जल्दी में। मैंने चार्जर वार्जर सब रखा है, देखो मैंने लैपटॉप का चार्जर भी रखा है, फोन का चार्जर रखा, सारे कैमरे रखे, कैमरे के चार्जर रखा, लैपटॉप रखना ही भूल गया जल्दीबाजी में यार। अब एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा मैं, अब रात के 12:30 बज रहे हैं और पॉपर्ट हो गया देखो। पंखा भी लेके आया मैं, देखो बाहर के लिए आया था ना, आउटडोर के लिए। हाँ आउटडोर के लिए गाइस, इस कैरावैन में ना ऐसा इन्वर्टर है, देखो पंखा भी चल सकता है, पंखा फ्रिज कुछ भी चला लो, ऐसा इन्वर्टर डाल रखा है इसके अंदर, लेकिन चार्ज करने के लिए लैपटॉप ही नहीं है। फोन चार्ज कर लेते हैं, ड्रोन चार्ज कर लेते हैं, और कैमरे की बैटरी चार्ज कर लेते हैं। तो भी गाइस वो पंखा चला दिया, और क्या मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है वहां से, और यहाँ पे सारे अपने गियर्स चार्ज हो रहे हैं देखो। वैसे गाड़ी में एसी भी है, लेकिन एसी नहीं चलाएंगे, उसके लिए गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी ना गाइस। कभी देखे गाड़ी के अंदर पंखा। फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, कल सुबह सुबह देखना सनराइज देखेंगे हम सुबह सुबह का, बिल्कुल जल्दी उठ जाएंगे, सनराइज देखेंगे, ड्रोन उड़ाएंगे मस्त। तो हाँ, तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, अभी मैं खुद से व्लॉग बना रहा हूँ, और तो सौरदा यहाँ पे बैठा है, और ही व्लॉग में देख लो।